हम जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। हमने हजारों आतंकियों को खत्म कर दिया है, नेतन्याहू का बयान, लेकिन अभी भी जमीनी हमले शुरू नहीं किए नेतन्याहू ने। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। और इजराइल पर हमास हमलों की जांच करेगा, इजराइल साउथ गाजा से हुए हमले की होगी जांच, नेतन्याहू ने कहा है। सुरक्षा चूक की जांच की जाएगी, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी, यह भी कहना है नेतन्याहू का। बतौर इजराइल का भविष्य सुरक्षित करना, बतौर राष्ट्रपति इजराइल का भविष्य सुरक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। और जंग के बीच वॉर कैबिनेट की बैठक, पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ मुख्यालय में बैठक की, जंग के ताजा हालात की जानकारी ली। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात कही। और इधर गुटेरेस का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसराइल भड़का हुआ है, यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग की है इसराइल ने, आतंकवाद के का साथ देने का आरोप लगाया है। हमले के लिए इसराइल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था, हमास को धरती से मिटा देना चाहिए, इसराइल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इसराइल के विरोध के बाद यूएन महासचिव की सफाई, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मैंने हमास के आतंक का समर्थन नहीं किया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, यूएन महासचिव का बयान। वहीं इसराइल पर हिजबुल्ला का हमला, इसराइल के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया, इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त किया। हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल के सेंटर्स को टारगेट कर रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें हैं, टावर को ध्वस्त किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर पर अटैक किया गया हिजबुल्ला के द्वारा। तो हिजबुल्ला के हमले लगातार जारी है। संजय सोई सर, हिजबुल्ला को लेकर एक बात बार बार कही जा रही है कि हिजबुल्ला क्या पूरी तरह से जंग के मैदान में आएगा? अगर जंग के मैदान में वो नहीं आ रहा है तो फिर ये सब क्या है? इसराइल की सेना पर हमला, उनके कम्युनिकेशन, उनके रिहायशी इलाकों पर हमला, ऑलरेडी क्या हिजबुल्ला जंग में है या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है और ईरान भी खुलकर कहेगा कि हिजबुल्ला अब तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से हिजबुल्ला के पास जो ताकत है, उनके तकरीबन 50,000 लड़ाके, 1.5 लाख रॉकेट और 300 के लगभग मिसाइल्स वगैरह, एंटी टैंक वेपन्स, ये सब है, आर्टिलरी है, उसके हिसाब से वो अभी हमले में नहीं आए। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये एक तरह से छुटमुट घटनाएं होके साथ देने वाली बात हो रही है कि हाँ हमास तुम लड़ते रहो, हम साथ हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इसराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होता है, उनकी फोर्स वहाँ डिप्लॉय हो जाती है, एंगेज हो जाती है, उस समय में वो तेज़ी से हमला करें। तो ये अभी जो स्ट्रेटजी है, ये कुछ भी किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, हो सकता है उनको ये सोच समझ के करें। लेकिन ये जो छिटपुट हमले हैं, इससे तो इसराइल को इंस्टिगेट ही वो कर रहे हैं युद्ध को खत्म करने की दिशा में, या फिर कोई हल निकालने की दिशा में, तो ये कहीं से भी मददगार साबित नहीं होना है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो छुटपुट हमले से आप देखिए कि इसराइल फिर जवाब देता है, फिर उनका फायर होता है। एक चीज़ और भी है कि एक फ्रंट और खुला हुआ है वहाँ पर, तो जहां पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस बीच गाजा के अस्पताल में हुए हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा सामने आया। क्या है वो खुलासा, आपको बता रहे हैं। इसराइल का रॉकेट 3 किलोमीटर दूर हवा में फटा, हमास के पास बेगुनाही का सबूत नहीं। अहली अरब अस्पताल में 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था, 500 लोगों की मौत का दावा किया गया था, और उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है।